उरी आतंकी हमले पर भारत ने पहली बार पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। विदेश सचिव एस जयशंकर ने अब्दुल बासित से कहा कि आतंकवाद पर पाकिस्तान अपना वादा निभाए और आतंकी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल पर रोक लगाए। हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से दिए गए अपने वादे को पूरा करे और भारत के खिलाफ आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन और उसके प्रायोजित करने से बाज आए। उरी हमले को लेकर पहली बार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सुरक्षा में चूक की बात मानी है। पर्रिकर ने ये भी भरोसा दिलाया कि सुरक्षा में हुई चूक की जांच होगी और दुश्मनों को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। We will definitely find out what went wrong. Also take steps to ensure that it doesn't go wrong again. And also I think the country needs to ensure that the wrong repetition of wrongs does not repeat again and again. उरी आतंकी हमले की जांच के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को इस बात के सबूत मिले हैं कि उरी हमले का हैंडलर भी कासिफ जान हो सकता है। NIA सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकी कासिफ जान ने ही आतंकियों को उरी तक पहुंचाया और हमले की पूरी प्लानिंग की। कासिफ जान पठानकोट हमले के दौरान भी जैश का हैंडलर था। जांच के दौरान NIA को इस बात का शक है कि किसी ने बटालियन की अदला बदली की जानकारी आतंकियों तक पहुंचाई। जांच के दायरे में उरी आर्मी कैंप में आने जाने वाले कुलियों और टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को भी शामिल किया गया है। NIA लश्कर के गिरफ्तार जिंदा आतंकी बहादुर अली से भी पूछताछ करेगी। बहादुर अली को उरी आतंकी हमले में मारे गए चारों आतंकियों की तस्वीरें दिखाकर उन आतंकियों के बारे में और जानकारी ली जाएगी। NIA ने सेना, IB और रॉ से बीते चार महीनों के इंटरसेप्ट मांगे हैं। 18 सितंबर को उरी सेक्टर में आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। हमलावर आतंकी पाकिस्तान के थे। उरी आतंकी हमले के बाद घाटी में सेना की पहली बड़ी कार्रवाई करीब 30 घंटे से जारी है। मंगलवार को शाम 4 बजे से उरी में शुरू आतंकी मुठभेड़ में सेना ने 12 आतंकियों को मार गिराया था। सेना का दावा है कि उरी के लच्छेपुरा के आसपास के जंगलों में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। नौगाम के नहरी पीर बाबा इलाके में भी डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने 4 से 5 आतंकियों को घेर लिया है। उरी, कुपवाड़ा और LOC के आसपास सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का बिल पेश किया गया है। US कांग्रेस में सांसद टेड पो और डाना रोरबाकर ने ये बिल पेश किया है। इस बिल पर 90 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक रिपोर्ट देनी होगी जिसमें उन्हें आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका साफ करनी होगी। I don't trust Pakistan. Maybe you do. I don't. अमेरिका ने साफ किया है कि चोरी छिपे हमला करने वाले देश सुधर जाएं। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि आतंकवाद के मददगार देश अब संभल जाएं, नहीं तो आतंक का साथ उनके लिए महंगा पड़ेगा। Across the region's conflicts, we have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों ने भी आतंकवाद पर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। Bangladesh firmly stands beside India at this difficult hour as a close friend and neighbor. We would continue to work together in our common endeavor to eradicate the menace of cross-border terrorism from this region and beyond. रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन समेत दुनिया के सभी देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का विरोध किया। केंद्र सरकार ने लड़ाकू विमान रफाल के सौदे को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के साथ 36 रफाल विमानों के सौदे पर 23 सितंबर को हस्ताक्षर होंगे। ये डील करीब 60,000 करोड़ रुपए की है। पिछले साल अप्रैल में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की थी। फ्रांस के साथ इस डील पर बातचीत कर रही टीम की रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने ही मंजूरी दे दी थी।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस से 10,000 अतिरिक्त विशेष पुलिस बल यानी एसपीओ की भर्ती करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन भर्तियों को जल्द से जल्द करने को कहा है। मंगलवार से जम्मू कश्मीर में एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभी तक 5,000 से भी ज्यादा कश्मीरी नौजवानों ने एसपीओ के लिए आवेदन किया है। अलगाववादियों ने भर्ती से दूर रहने की चेतावनी जारी की थी। बावजूद इसके अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया से भर्ती के लिए आने वाले लड़कों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये वो इलाके हैं जहां बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से सबसे ज्यादा प्रदर्शन और हिंसा हुई है। एसपीओ के अलावा सेना में भी स्थानीय लड़कों की भारी संख्या में भर्ती की जा रही है। सेना में भर्ती के लिए 12,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया 25 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी। प्रधानमंत्री आवास का नया पता अब 7 RCR नहीं बल्कि 7 लोक कल्याण मार्ग होगा। आज रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखने का फैसला किया गया है। NDMC की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसका नाम बदलकर एकात मार्ग किया जाना चाहिए, लेकिन जब ये बात मीडिया के द्वारा तमाम जनता के बीच में गई तो सबकी तरफ से ऐसे सुझाव आए और उस सुझाव में जो प्रमुख सुझाव था कि इसका नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया जाए। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने रेस कोर्स रोड का नाम एकात्म मार्ग रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बैठक में लोक कल्याण मार्ग के नाम पर सहमति बनी। इसके अलावा गुरुद्वारा रकाबगंज गोल चक्कर का भी नाम बदलने का फैसला हुआ है। इसका नाम गुरु गोविंद सिंह चौक रखा जाएगा।